राम हूँ आगे तुम्हारे बस में मुकेश भाई पर मार खबर लेने आज बात कर ली जेवी रीते क्राइम थी खबर अने की जे हत्या नो मामलो एक सामने आयो तीन मत रायपुरा थाना नी बात करी ते जुलवाणा गांव नी यानी कि जुलवाणा गांव थी दिनेश करे नाम नो जो भाबोर से तीनी हत्या थाई की एम तिहुना परिजन तिहुना परिवार नो आरोप से आन कई वक्त तिहु झाबवा एसपी साहब ने और थाना प्रभारी ने इन्हें जांच नो आवेदन आयु लेकिन कोई कार्रवाई नहीं थी। लगातार तिहुनी चार चार वक्त झाबवा एसपी कार्यालय में आवी तिहुनी मांग करी कि कम से कम हमारा जो शंका लागे रही कि हमारे हाथे जो तिहुना हाथे होतेला लोग तिहुनी मार नाखी हमारा स्वरा ने तिहुना पिताजी एवं रीतना बयान भी कह दो तिहुना पिताजी खुद मीडिया ने आवी पूरी बातें बताड़ियों। बीजी बात करें में ज्या ज्या कून कून आरोपी से तिहनी बात करी तीन में आरोपी में तिहु कीधु धर्मेन्द्र पिता बाबू ने मीना में मनोज पिता कांतिलाल मीना में करीन कीधु से बीजी बात करें नीलेष पिता सुखराम करीन से एवी रीते बात करें तो अनिल पिता खेमराज अखाड़िया एवं रीते पर आरोप भी लगाड़ियों कि हूँ महीना सोरा ने मार नाखे क्योंकि 14 तारीख निदान अने 13 तारीखे इन घेर आवेलो 14 तारीखे पासो गयो अंत्य लाश मिली 16 तारीखे कहीं ने कहीं तिहुन शंका लागे रही कि तीन पर कुना शरीर पर भी मारकूट नो निशान पर भी देखाय रो तीन पर गला में या पीठ पर या मोटा हथियार थी मारियो अंतिम हत्या कर नाखी। लेकिन पुलिस तरफ थी एक पीएम रिपोर्ट करी अंतिम पीएम रिपोर्ट करी अने बाद तीन पोस्टमार्टम तिहुन एक्सिडेंट कर नाखी तो तीमा जेवी रीते जे आरोपी शंका लागी रही तिहुनी पर कानूनी कार्रवाई नहीं करी अने तिहुन जेल मोकलवानी बात करवानी तिहुना परिवार तरफ थी कहेवानुं छे। लेकिन पुलिस ने एक तरफ नी खाली कार्रवाई करी और हमारे कोई सुनवाई नहीं थी एवी रीते तिहुना परिजन अने तिहुना परिवार नुं कहेवानुं छे। ते आगे रतमां एसपी साहब एनी पुनः जांच करावे कि नहीं करावे आवड़ा समय में मालूम पड़े क्योंकि लगातार चार चार पांच पांच वक्त एसपी कार्यालय पर आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं थारी। तिहुना परिजनों दिनेशना परिजन दुखी थाय रहा तिहुने तिहुन शंका लागी रही कि तिहुन कहीं कहीं ऊंचे स्तर से जांच थावी जो है ताकि आ जांच नहीं थाय तो हम अगाड़ी जाए या सीएम तक मह एवं रीतने भी हुई बातें कह दियो से ता आखिर हूँ कह तिहुना परिजन एसपी साहब है इन्हीं पर पूरा मामला पर भी हूँ कह दू ते भी हम लोग आवेदन देने आए थे। क्या मामला है पूरा बताइए। हाँ सर हम आवेदन देने आए थे पहले भी एसपी साहब को दो बार अवगत करा चुके हैं। अब की बार तीसरी बार हम आए हैं और एडीओ पी पुलिस थाना सब जो हम दो दो बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और जो पुलिस और डॉक्टर इनके द्वारा आरोपियों को बचाने के चक्कर में हत्या का मामलों को एक्सीडेंट में बदला गया है और जैसे वो एक्सीडेंट बता रहे ऐसे हमें नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट से दिनेश की मृत्यु हुई। मामला क्या पूरा विस्तार से बता क्या हुआ था उस टाइम। मामला जैसे दिनेश मेघनकर एक निजी कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से वो 13 तारीख को दिनेश और दिनेश की पत्नी दोनों वहाँ से ठेकेदार की बाइक लेकर घर आए थे। वो घर आने के बाद में 14 तारीख को वापस मेघनगर के लिए दिनेश अकेला गाड़ी लेके उस ठेकेदार की वापस मेघनगर जाने के लिए निकला था तो उक्त रास्ते में कहीं ये मिले होंगे। उसके बाद में उनकी जो बाइक दिनेश के पास वो बाइक को उन्होंने एक हमारे गांव सिंधी मातापाड़े में दिलीप मीनामा करके जिसकी दुकान है उसकी दुकान में रखवाई दिनेश को और दिनेश को मनोज धर्मेंद्र ये लेकर धर्मेंद्र की बाइक पे बिठाकर कहीं ले गए और उसके बाद में हमें पता चलता है कि दिनेश कंपनी नहीं पहुंचा तो हमने इधर उधर तलाश निकाली तो हमें तलाश नहीं मिली। और 15 तारीख को यह पुलिस को किसी ने सरपंच ने सूचना दी मनाशा कि यहाँ मनाशा में एक लाश पड़ी हुई मिली तो 15 तारीख को पुलिस ने को 108 द्वारा जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद में हमें 16 तारीख को वो वहीं रहा अस्पताल में दो दिन तक अस्पताल में रहा। इसके बावजूद हमें कोई सूचना नहीं मिली और पब्लिक न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि अज्ञात लाश केदार हॉस्पिटल शिविर में है तो हमने जाके वहाँ तलाश करी तो वह लाश दिनेश की है और वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पर डॉक्टर जो बता रहे एक्सीडेंट है लेकिन घटनास्थल पर वहाँ पर न कोई जैसा कोई प्रारूप है कोई गाड़ी का कोई और कोई वाहन का और एक्सीडेंट हो तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पार्ट
गिरे हुए मिलते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल साफ क्लियर जगह दिख रही है। वहाँ सिर्फ एक टोपी पड़ी है और सिर पर दिनेश पड़ा हुआ है और उसके बाद चप्पल और दिनेश का मोबाइल, और पुलिस द्वारा मनाइशा सर्पस ने वो मोबाइल पुलिस को दिया कि यह व्यक्ति पहचान में हमें नहीं आ रहा है, इसकी सूचना ये आपके मोबाइल में या कहीं से भी, या इनका मोबाइल चालू कर रखो तो किसी को सूचना मिल जाएगा इस व्यक्ति की। तो अभी तक रायपीरा पुलिस ने हमें मोबाइल का पता नहीं बताया, जबकि दिनेश के पास मोबाइल था और पुलिस लेके गई। और एक्सीडेंट का मामला अगर पुलिस बताती है, वो दोनों एक्सीडेंट हुए तो दोनों एक अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं हुए, अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुए? अगर वो एक्सीडेंट हुआ ये भी हम मानते हैं, तो फिर धर्मेंद्र ने खबर क्यों नहीं की दो दिन तक, छुपा क्यों रखी उसने? एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है उनने आपको? एसपी साहब को एक जांच के विषय में आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, जैसे ये केस रायपुरिया का है, रायपुरिया थाने का है, दिनेश पिता नंदू भाबर, ये व्यक्ति, ये लोग इतने परेशान हैं, हम भीलसेना संगठन से इनकी मदद कर रहे हैं बहुत समय से, दो तीन बार मैं भी वहाँ रायपुरिया थाने पर गए, डी आई साहब से बात करी, डी आई साहब ने तो आश्वासन दिया था कि मैं उनके कथन लेके जांच के विषय में जो भी जांच में आए पाया जाएगा उसका उसकी मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी भूल तो पुलिस ने, पुलिस प्रशासन ने शुरू में कर दी, जब उस व्यक्ति के साथ घटना हुई या घटना जो भी हुआ हो उसके साथ, उसके पास जो मोबाइल मिला था, अगर किस कोई जिस जगह पे घटना होती है वहाँ मोबाइल पाया जाता है, उस प्रूफ पुलिस को हाथ लग जाता है, सिम डाल के सरकारी मोबाइल में परिवार को सूचना करना कि उसके मतलब जांच करना व्यक्ति कहाँ का है। सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ी विषय यही है, वो व्यक्ति ये बता रहे हैं 14:09 सुबह 9 बजे घर से निकला, दो व्यक्ति आके उसको उसकी बाइक दूसरी दुकान पर रखवा देते हैं और उनकी बाइक पर बिठा के ले जाते हैं, वो तो CCTV में भी दिख रहा है, इनका इनके पास प्रूफ है। पर पुलिस का कहना ये है कि उसके उसका एक्सीडेंट हुआ और तो वह दो व्यक्ति उसके साथ थे, उनको क्यों छूट नहीं लगी और मौके पे बाइक क्यों नहीं पाई गई, सबसे बड़ी बात तो ये। हम मौके पे गए भी थे और देखा भी वहाँ पे, हकीकत ये है कि कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है और इसकी जांच होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन झाबुआ ज़िले में इतने फ्रॉड काम कर रही है कि मतलब आरोपियों को, क्रिमिनल को सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये बोलूँगा मैं, जो छोटे मोटे अधिकारी जैसे बीट प्रभारी हो, कोई छोटा पुलिस वाला हो, इस प्रकार काम कर रहे हैं, छोटे मोटे चट्टे बट्टे रहते हैं, उनको तो क्या पैसे से मतलब रहता है, और इससे क्या हमारे आदिवासियों पे और आदिवासियों के साथ क्राइम बढ़ रहे हैं, वो तो उनके पैसे लेके ना, बस ये जो शिकायत करने जाएगा उनको ही उल्टे आरोपी बनाएंगे। अब मेरे सामने की घटना उस दिन मैं बोल रहा था तो अविनाश निशान क्या बोलता है कि ज़्यादा करोगे तो तुमने उनको धमकी दे, तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा, ये कौन सी बात हुई? इनने तो इनका बेटा खोया है ना, आप इनकी शिकायत सुनोगे उल्टे ही उनको दरा रहे। और ये भी ये परिवार बता रहा है कि 3 घंटे रूम में बिठा के अविनाश हेड साहब ने इनके साथ बदसलूक की और प्रताड़ित की है, वो प्रताड़ित किया है इस पीड़ित परिवार को। सबसे बड़ा मेरा आरोप है अविनाश हेड साहब पे, मैंने खुद भी उनके साथ बात करी, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, उनकी बोलने की भाषा, उनका जो दुर्व्यवहार, किसी जो शिकायत करने जा रहा उस व्यक्ति के साथ आप ऐसा करोगे तो क्या करेंगे? जो दुख के लिए तो आप लोगों के पास आ रहे हैं ना, आप उसी व्यक्ति को ऐसा कराओगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पहला जो इंसान को किसी वस्तु को जैसे कुछ प्रकार का कहीं होता हो, दुख होता हो तो पुलिस के पास जाएंगे, कोई लड़ा झगड़ा होता है तो पुलिस के पास जाएंगे, अगर पुलिस प्रशासन ही ऐसा करेगा तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर आपने SP साहब को आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच के विषय में जो भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जाँच करना होगी, सबसे पहले तो अथॉरिटी कर दी, इसमें जो डॉक्टर साहब ने कुछ और पुलिस ने मिलकर, मेरे को यूँ लगता है कि जो जो PM रिपोर्ट आती है, PM रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, इसके कारण इस मामले पर पुलिस को ये बोल रहे कि जो PM रिपोर्ट में आएगा उसको हम काट नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर ने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा छेड़खानी करी है, और तो डॉक्टर की भी जाँच की जाए इस वक्त। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है गब्बर सिंह वास्कल, भील सेना संगठन जिला। अब लड़को और मेरा मार्केट फेंक दिया मनाशा रोड पे। क्या नाम? दिनेश बाबर। तो अभी फिर क्यों जॉब आना पड़ा आपको? मेरे को ये आना पड़ा सर कि FC साहब ने उस दिन आश्वासन दिया था कि मैं TI साहब को बोल रहा है कि TI साहब आप खूब जांच करो, इधर उधर सारस नहीं देना, नहीं ये मामला भारी पड़ रहा है, एक्सीडेंट बना के बैठे, इनको फिर जांच किया जाए और फिर अवगति ले इन लोग को डबल डबल न्यू। तो उसी कारण से हमने ससाई और
बहुत बहुत सबूत उठा दिया है, जहाँ पड़ा था वहाँ भी सरपंच साहब ने सब ने सबूत दे दिया है। एक्सीडेंट का मामला कहीं भी प्रूरूप नहीं है, और एक्सीडेंट घोषित किया है डॉक्टर ने तो फर्जी रिपोर्ट बनी रखी है। वहाँ हमारा गांव जुनवाया है, उसने माता पड़ा लिख रखा है ज़बरदस्ती, और एक्सीडेंट घोषित किया है। हम जांच करा करा के पूरे कर दिए हैं, साका झाका सबूत सच सच मिल रहा है, एक्सीडेंट घोषित नहीं है वो व्यक्ति। और हमारा घर आपको कैसे लगा कि एक्सीडेंट नहीं? हमको घर ले गया, हमारे घर ले गया, उसको घर ले जा के न हमने कपड़ा खोला, कपड़ा खोल के उसको ये नहलाने के लिए और कपड़ा दूसरा पहनाने के लिए देखा तो ये कांग बला में उसको पकड़ा तो ये पूरे नख लग रहे, पूरे ने बुसट टूट रहे और गला में भी नख लग रहे, नख ने ये पीछे जो पीठ है ये कोई भारी शीशे मारा हुआ है, लेकिन कोई एक्सीडेंट का प्रूरूप बताया ही नहीं है, न है भी नहीं वो आदमी एक्सीडेंट, न उंदा पाड़ के उसको भारी शीशे कोई भी माथे पे एक चोट चीर जोर से दे के न भग गए वो लोग, न मोबाइल और चंपल माथाड़ी व्यवस्थित रख के गए है। वो एक्सीडेंट का मामला में ऐसा सबूत नहीं उठता है ये, और वाना व्यक्ति लोग ने देखा, इसीलिए कारण से व्यक्ति के पास में नहीं जा सक्या। और एक्सीडेंट मामला होता कोई सबूत रहता, गाड़ी रहती, कोई पिकअप रहती, कोई वाहन रहता, कोई भी लोग दौड़ के बेड़ा हो जाता है, और गाँव का बेड़ा नहीं हो तो रोड भी चालू रहता, रोड के किनारे जाने वाला भी खड़ा हो सकता है नहीं। तो वो लोग ने सोचा है कि भाई ये व्यक्ति चुपचाप फेंक के मोबाइल और चंपल व्यवस्थित रख गया है, तो उसने सोचा, फिर सरपंच साहब ने लाया वो देखा, उसने किया कि यार ये आदमी को तो कोई दूसरा लफड़ा है, उसी कारण से 100 नंबर पर फ़ोन सरपंच साहब ने किया। और वो व्यक्ति फ़ोन लगाया 100 नंबर पर, यहाँ से पुलिस गई 100 नंबर वाला। आपका आरोप किस पे है, किसने मारा ऐसा आपको डाउट लग रहा है? मेरा बेटा तो यहाँ से निकला था, मेघनगर जा रहा था, मेघनगर सीधा जा रहा था, गांव में एक दुकान है वहाँ खड़ी करवाई, मनोज और धर्मेंद्र ले गया न, और उसको 14 तारीख को दिन सुबह 10 बजे 11 बजे वो मेघनगर जा रहा था, वहाँ से गाड़ी रखा के वो ले गया है न, ये पासी वापस हमको सूचना नहीं मिली, वो लेकिन हम इसी लाइन में होता मेघनगर गया, मेघनगर गया, ये लेके गाड़ी रखवा के दुकान पे दिलीप ने दुकान पर है न, इनको ले गया, मोबाइल जब्त कर लिया उसका न, बंद करके दिन भर घूमा लेके, और 14 तारीख रात में बुधवार को दन था, मार के उसको फेंक गया है। वो कौन है? वो धर्मेंद्र, मनोज, नीलेश, अनिल आमली रुंडानो, एक राकेश कटारो, हाँ ये आरोपी है। इन पर कार्रवाई करने की मांग करें? हाँ इनकी कार्रवाई करें, उनको ये इनको अंदर करना और इनके बयान ले, ये अच्छा से इनकी सामने से भी गवाह उतर गई है कि ये व्यक्ति ऐसा है ना, इसका क्रिया है जो, और फिर सबूत मांगना चाहिए तो उस बेटे को जहाँ भी धमकाया है, मारा हुआ है, वहाँ की हमारे पास गवाह ही है, उसको कैसे मारा है ये ना, ये ओठा है, दांत है, इनको ओठा के कुछ भी नहीं हुआ, अंदर गांगर ने लगा तो दांत गिराया उसने, घर पे ले जाकर देखा दांत नहीं है उसको, फिर उसने बहुत चिल्लाया गांगरिया कि मेरे को क्यों मारा, मेरा परिवार को बुला लो, कुछ कह दो, मैं मेघनगर जा रहा था, मेरे को सुबह को उलझाया तुमने, क्यों मारा रे, मैंने क्या कहाँ गुनाह किया, ये मेरे परिवार को खबर कर दो, ते भी उस व्यक्ति को मार के बांधा है न, सुनने वाला है, लोग बता रहे है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नंदू। कितने साल का था वो लड़का आपका? उसको दो लड़का लड़की नहीं, कितने साल का था वो लड़का? 25 साल। हाँ 25-30 होगा। रायपुरिया थाना क्षेत्र से अभी कुछ लोग आए थे जिलवानिया गांव से, जिन्होंने बताया कि उनके साथ के जो व्यक्ति थे उनकी घटना हुई है, जिसमें उनका कहना है कि मृत्यु उनकी कारित की गई है, कुछ अनावेदकों के नाम उन्होंने बताए हैं। तो उसके संबंध में थाना प्रभारी रायपुरिया और SDP पेटलावत को बताया गया है कि विस्तृत जांच करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर उनका ये भी कहना है कि उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसके एक्सीडेंट में तब्दील किया है। हाँ, क्योंकि प्रथम दृष्टया डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें एक्सीडेंटल नेचर लिखा गया है और उसकी और डिटेल में जाँच कराई जाएगी। वो तो मारे उसमें फेरी नहीं रितनी खबर आम जानकारी नहीं आप तो कब आपदा राम राम।